بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم 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 اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بنائیں گے گاجر اور کھوئے کا حلوہ. بنانا بہت ہی آسان ہے اور بڑا ہی مزے کا بنتا ہے. تو انشاءاللہ کھویا بھی بنا کے دکھایا جائے گا، پھر کھوئے اور گاجر کا حلوہ بھی بنایا جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کھوئے اور گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے. گاجروں کو جو دھونا ہے نا، یہ کافی مشکل کام ہے. تو جو پیٹر ہم نے لگایا ہوتا ہے یا موٹر پانی والی جس سے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں، تو اس کے حوضی بنائی ہوتی ہے جہاں پہ وہ پانی گرتا ہے، تو اس کے اندر ان کو ڈال دیتے ہیں. تو جب مٹی جو ہے نرم ہو جاتی ہے، پھر ایک ایک کر کے نکال لیتے ہیں اس میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جو تنے ہیں گاجر کے پتے، یہ اتار لیں گے. بسم اللہ.
ये अल्हम्दुलिल्लाह आलू की फसल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाही जो है वो चढ़ा लेंगे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कढ़ाही में डालेंगे दूध। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले जो है वो खोया तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोभी की फसल। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम जो है बैठ गई है, तो अब कद्दूकश कर लेंगे गाजरों को। कद्दूकश करते हुए दूध का भी ध्यान रखना है, दूध उबल कर चूल्हे में ना पड़ जाए, साथ में दूध में भी चम्मच जो है वो चलाते जाए। और गाजरों को भी कद्दूकश करते जाना। मैं भी अभी कद्दूकश करने लग गया हूँ भाई के साथ, और ये वाला जो है ना ये मेरा छोटा है मूली कंडा, और भाई बशर का बड़ा है, और इसके जो डंडे हैं ना ये छोटे हैं, और इसका देखें ये ब्रीक हो रहा है। आपका जो है वो प्यारा लग रहा है, ये ऐसा कुछ लगेगा लगता है पास पड़ा हुआ बड़ा फर्क है, ये कितना प्यारा है। ये वाला मेरा है, ये वाला ये भाई मुझसे नहीं किया। और ये मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दूध जो है तकरीबन आधा रह गया है, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरह चम्मच चलाते हुए दूध को पकाते रहना है जब तक के खोया जो है तैयार ना हो जाए। मलाई नहीं ऊपर आने देनी और ना ही दूध को नीचे लगने देना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खोया जो है तैयार होने वाला है, लेकिन मुझसे तीन जगहों पे इधर इधर और इधर जो है वो दूध लग गया। आपने नहीं लगने देना, मुझसे तो गलती हो गई है, क्योंकि मैं साथ में गाजरें जो है वो कद्दूकस करने लग जाता था इस वजह से।
अल्हम्दुलिल्लाह खोया जो है तैयार हो गया जैसा मुझे चाहिए था। तो अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा खोया चाहिए था तो हो गया तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम बर्तन में निकाल लेंगे खोए को। खोए को थोड़ा पतला रखा है मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाही चढ़ा लेंगे फिर से चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी जो है वो डालेंगे कढ़ाही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेर सारा देसी घी डालने के बाद अब ढेर सारे जो हैं बादाम डालेंगे। बादाम जो हैं उनके छिलके उतार लिए थे। काजू डालेंगे, पिस्ता डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजू पिस्ता बादाम तीनों को थोड़ा भून लेंगे देसी घी में। अल्हम्दुलिल्लाह काजू पिस्ता बादाम जो हैं भुन गए हैं। तो अब हम इन्हें घी से निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसमें कद्दूकस की हुई गाजरें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से डालनी है, हो सकता है कि ये चटके कुकिंग ऑयल जो है। अब हम हलवे को चम्मच चलाते हुए पकाते जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह धनिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गाजरें जो हैं अच्छी तरह भुन चुकी हैं और इनमें जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक हलवा घी को छोड़ नहीं देता और घी जो है वो हलवे को छोड़ नहीं देता। चम्मच चलाते रहना है।
अल्हम्दुलिल्लाह हलवे की जो खुशबू है ना पूरे गांव में आ रही होगी यार, इतनी मजेदार सी खुशबू आ रही है। तकरीबन तैयार होने वाला है, शहद वाली मक्खी जो है वो फूलों से रस चूस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देसी घी ने हलवे को छोड़ दिया है, तो हलवा जो है वो तैयार हो गया। ये देखें घी अलहदा हो गया, तो अब हम हलवे में खोया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजू पिस्ता बादाम डालेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह घी जो है वो बिल्कुल अलहदा हो चुका है, तो अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा गाजर और खोए वाला हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। बताने की जरूरत नहीं है ये कितना मजेदार बना हलवा, देखने में ही नजर आ रहा है। तो अब हम नीचे उतार लेंगे इसे और अबू जान को सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अबू जी, जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश मेरी थी, शाबाश मेरा पुत्र। अहमद अहमद एले शहजादी, शाबाश शाबाश। अपनी बहन भी खवा सानी सदके लवो मेरे शहजादे, मेरे शहजादे सारिया मिलता है, सारिया मिलता है मेरे शहजादे, मेरी शहजादियां थी सदके जावा, सदके जावा।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼।